हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रियंका और आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल क्रेविंग्स पर। आज मैं आपके साथ पिज़्ज़ा पराठा की रेसिपी शेयर करूँगी। इसे आप फटाफट से बना करके तैयार कर सकते हैं और खाने में ये इतना टेस्टी है कि आप पिज़्ज़ा खाना भूल जाएंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल बटन को क्लिक करना ना भूलिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए फटाफट से बनाना स्टार्ट करते हैं पिज़्ज़ा पराठा। तो इसके लिए हम सबसे पहले प्रिपेयर करेंगे डो। तो डो बनाने के लिए मैंने लिया है 1 कप गेहूं का आटा। आप चाहें तो इसे मैदे से भी बना सकते हैं या गेहूं और मैदे की क्वांटिटी हाफ हाफ रख करके भी इसका डो तैयार कर सकते हैं। तो इसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया है थोड़ा सा नमक और 1 बड़ा चम्मच ऑयल। इसको डाल करके अच्छे से मिक्स कर लिया और फिर थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल करके इसका सेमी सॉफ्ट डो तैयार कर लिया है। जैसे हम नॉर्मल रोटी या पराठे के लिए डो तैयार करते हैं, सेम वैसा ही डो इसका तैयार कर लिया है। तो यहाँ पर हमारा डो प्रिपेयर हो गया। अब इसको हम रख देंगे साइड में थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए, 1 या 2 मिनट, जब तक मैं आप अपनी स्टफिंग तैयार कर लें, बस उतनी ही देर के लिए इसे रखना है। अब स्टफिंग बनाने के लिए मैंने एक बोल में डाला है 1 कप मोजरेला चीज़। इसको डालने के बाद इसमें मैं ऐड करूंगी पिज़्ज़ा सीजनिंग 1 बड़ा चम्मच। आप किसी भी ब्रांड का पिज़्ज़ा सीजनिंग ले सकते हैं। और फिर इसमें ऐड किया है मिक्स हर्ब, आप इसकी जगह पर ऑरिगैनो भी डाल सकते हैं। मिक्स हर्ब भी मैंने 1 बड़ा चम्मच डाला है। और फिर इसके बाद मैंने इसमें डाला है चिली फ्लेक्स मैंने डाला है 2 छोटे चम्मच। तीखापन आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, कम ज़्यादा। इसके बाद डाल दिया है बारीक कटा हरा धनिया। इसमें मैंने नमक नहीं डाला है क्योंकि चीज़ में ऑलरेडी नमक होता है और हमने आटे में भी नमक डाला हुआ है। तो स्टफिंग रेडी हो गई है। और ये थोड़ा सा आटा लिया है डस्ट करने के लिए। और फिर डो में से रोटी के लिए जितनी बड़ी लोई हम लेते हैं उससे थोड़ी बड़ी लोई कट करेंगे, क्योंकि इसमें हमें चीज़ की स्टफिंग करनी है तो पराठा थोड़ा हमें इसका मोटा बनाना है। तो यहाँ पर लोई लेकर के हाथों से थोड़ा सा स्मूथ किया है, आटे में डस्ट किया और फिर इसकी एक रोटी बना ली है। तो जब ये रोटी बन जाएगी तब इसके बीच में हम रखेंगे फिलिंग। तो फिलिंग को थोड़ा ज़्यादा रखेंगे क्योंकि चीज़ का पराठा है, तो चीज़ जितना ज़्यादा रहता है खाने में उतना मज़ा आता है। तो ये आप अपने हिसाब से रख सकते हैं कम ज़्यादा। तो मैंने ढेर सारी चीज़ की स्टफिंग कर दी है और फिर इस तरीके से फोल्ड कर दिया है। आप चाहें तो गोल पराठा भी बना सकते हैं, ट्रायंगल भी बना सकते हैं। थोड़ा सा आटा डस्ट करके इसको हल्के हाथों से बेल लेंगे। और ये देखिए, इस थिकनेस का रहना चाहिए पराठा, ज़्यादा पतला मत बेलिएगा नहीं तो चीज़ मेल्ट होकर बाहर आ जाएगी। तो ये पराठा हमारा तैयार हो गया। अब इसको हम सेक लेंगे। सेकने के लिए गैस की फ्लेम को मीडियम रखिएगा और मीडियम फ्लेम पर दोनों साइड से इसको ऑयल, घी, बटर जो आप लगाना चाहें वो लगा करके दोनों साइड से सेक लें। अच्छा सा जब इसमें गोल्डन कलर आ जाए तब इसको गर्मा गर्म सर्व करिए। इस पराठे को गर्मा गर्म ही खाइएगा आप। ठंडा होने के बाद ये काफ़ी स्टिकी हो जाता है क्योंकि इसमें हमने मोज़रेला चीज़ डाली है, तो मोज़रेला चीज़ ठंडी होने के बाद काफ़ी चुई हो जाती है। तो कोशिश करिएगा कि आप इसको गर्मा गर्म ही सर्व करिएगा। बच्चों के लंच बॉक्स में आप ये पराठा नहीं दे सकते हैं क्योंकि सेम रीज़न, ये स्टिकी हो जाएगा। तो इसको एक मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। देखिए ये चीज़ से भरा हुआ पराठा कितना टेस्टी लगता है। आप इसे एक बार ट्राई करके देखिएगा, बच्चे पिज़्ज़ा खाना भूल जाएंगे। और बनाने में कितना ही आसान है आपने देखा है। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ आप ये मज़ेदार पराठा बना करके तैयार कर सकते हैं। इस पराठे को आप टोमेटो सॉस के साथ गर्मा गर्म सर्व करिएगा। और अगर आपको लंच बॉक्स में ये पराठा देना है तो आप मोज़रेला चीज़ की जगह प्रोसेस चीज़ का यूज़ करिएगा और बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स सेम रहेंगे। तो अगर आपका मन कर रहा है पिज़्ज़ा खाने का तो आप ये पिज़्ज़ा पराठा ट्राई करिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा, आप पिज़्ज़ा खाना भूल जाएंगे। ट्राई दीजिएगा आप इस रेसिपी को। और अगर वीडियो किसी भी स्टेज में आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर। बाय बाय।